विकास की बात मुखिया जी के साथ। विकास की बात मुखिया जी के साथ इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ, ये नवानगर प्रखंड है और नवानगर प्रखंड के बैना पंचायत के मुखिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं विकास के मुद्दे पे ये क्या बताना चाहेंगे और भी बहुत सारी बातें होगी। आइए जानते हैं, बहुत सारी योजनाओं के भी बारे में बात करेंगे। 2 साल 3 महीने का कार्यकाल रहा मुखिया जी का, इसमें इन्होंने अपने पंचायत को कहाँ तक विकास कर पाया है, कहाँ कहाँ परेशानियाँ हुई है और क्या क्या बातें हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं मुखिया जी से। सबसे पहले हमारे समृद्धि मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी, चूँकि आप बहुत ही अच्छे रूप से अपने पंचायत को डेवलप भी कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियों का समाधान करते हुए आप अपनी पंचायत का विकास करने में लगे हैं। जानना चाहेंगे बिहार सरकार के ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना जी, आप कौन सा देखिए योजना? बहुत अच्छा है, इसलिए योजना अच्छा है कि सब बुनियादी गली एकदम जगह पर खुद नदी गली बन जाएगा, जाकर नदी नाला में गिर जाएगा, पानी का जमाव वाला साथ नीचे से बहुत अच्छा चीज़ बा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बात पंचम से पैसा है, 14वां बीच से पैसा है, उसी से नदी बना दिए हैं, इसी से कर दिए हैं, बहुत अच्छा चीज़। अच्छा, उनके लिए जो आपकी पंचायत है बैना पंचायत, इसमें टोटल गाँव कितने? 4 गाँव है। कौन कौन गाँव है? बैना, बाली, राजापुर, चनौर। अच्छा, और इसमें टोटल वार्ड की संख्या? 13 है। वार्ड नंबर चयनित वार्ड कितना है? चयनित वार्ड हो गया है 3 ठो, उसके बाद फिर 4 हो गया, यानी कि 7 बार आपके चयनित हो गए। 7वें वार्ड में काम चल रहा है जी? 7वें वार्ड में काम चल रहा है। कहाँ परेशानी आ रही थी? परेशानी कहीं नहीं है, सब हल्का फुल्का आता है, निपटाता है, आगे बढ़ा देते हैं, सब ठीक हो जाता है। बहुत सुंदर। मुख्य जी जानना चाहेंगे, चूँकि तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बहुत सारे और भी बहुत सारे वरीय नेता लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, देख रहे हैं आपको। जानना चाहेंगे 7 निश्चय योजना के अलावा, इसमें 7 निश्चय योजना में ही समावेश किया गया है, केंद्र सरकार की एक सफल योजना है ये जो शौचालय की योजना है। केंद्र सरकार काफ़ी फोकस कर रही है इसको, लोहिया पोष अभियान के तहत जगह जगह पे लोग इस पर प्रकाशित भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार के माध्यम से शौचालय बनाने पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि बाहर में शौच करने से काफ़ी परेशानी हो रही है, बाहर में शौच नहीं करना चाहिए, बीमारियों का भी बुलावा दिया जा रहा है बाहर में शौच करने से। इस तरह शौचालय पे काफ़ी सरकार का ध्यान है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी बैना पंचायत है, इसमें शौचालय का क्या पोजिशन है, कितना परसेंट तक सफलता पाए हैं? शौचालय सभी जितना है उसमें 90% तक, हम 80% तक के हिसाब से ओके करा दिए हैं, 2 अक्टूबर तक देख रहे हैं ना कि फुल हो जाए, बहुत अच्छा। अभी तक ODF नहीं हो पाया? ODF अभी नहीं हुआ है, ODF में लागे हैं, उसकी जल्दी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो शौचालय खातिर हम लोग ज्ञान प्रदान से लागल बन जाए, कहीं जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या उम्मीद है, कब तक ODF? 2 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर लक्ष्य बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं। बहुत सुंदर। मुखिया जी जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना आपका कर्तव्य होता है, चूँकि जनता ने काफ़ी विश्वास के साथ, आप पहली बार चुनाव लड़े हैं या फिर पहले भी कभी? पहले बार चुनाव लड़े हैं, पहले खड़ा थे, 2035 वोट से हार गए, सत्ता पर लड़े, उसके बाद जीत गए। बहुत सुंदर, यानी कि जनता ने अपने विश्वास को आपके साथ रखा, निश्चित तौर से आपसे काफ़ी उम्मीद लगाई है जनता कि आप निश्चित तौर से विकास करेंगे। आप लोगों का विकास करते भी होंगे, लोगों की समस्या का समाधान भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती होंगी जो आप चाह के भी समाधान नहीं कर पाते होंगे, इसके कई कारण होते होंगे, तो एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, सरकार क्या करे ताकि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जा सके? इसलिए आदर्श प्रदान करना चाहिए कि हम लोग तो लागे हैं कि अपना आदर्श कॉन्टैक्ट करें कि अच्छा हो जाएंगे, तो हम बहुत सिर्फ मिलेंगे कि भाई बैना पंचायत ओके है, बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आपने मनरेगा के भी माध्यम से कुछ काम किया है? हाँ, मनरेगा के काम कर रहे हैं, मनरेगा में कोई दिक्कत नहीं है, रोड बनाए हैं, कढ़ा बनवाए हैं, कढ़ा करवाए हैं, घरवा कर बनवाए हैं, सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी अभी वीरेंद्र चौधरी जी बैना पंचायत के मुखिया हैं और इन्होंने काफ़ी सुंदर और तत्परता ईमानदारी पूर्वक अपनी कर्मठता से जनता के विश्वास को कायम रखा और जनता ने जिस विश्वास के साथ इनको मुखिया बनाया, वाकई उस विश्वास के पात्र हैं। इन्होंने अपने विश्वास के साथ जनता के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए
विकास कर रहे हैं और इनका जहां तक मानना है कि सात निश्चय योजना जो चल रही है बिहार सरकार की अच्छी योजना है, क्योंकि इस योजना से काफ़ी विकास हो रहा है। जितने भी जो नली है, नली के माध्यम से हम इस तरह का जो भी एक्स्ट्रा बहाव का पानी है हम उसको बड़े बड़े नाले में, नदियों में ले जाते हैं, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। और सात निश्चय योजना अपने आप में एक अद्भुत योजना है और हम लोग मिलजुल के इसको काम कर रहे हैं और करा रहे हैं। शौचालय पे इन्होंने जो बात बताया, शौचालय पे इन्होंने बताया कि अच्छी योजना है शौचालय, और 90% शौचालय हमारे घरों में लग चुके हैं, हमारे बैना पंचायत के घरों में लग चुके हैं। थोड़ी सी रह गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक अपने पंचायत को घोषित करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ, थैंक यू।